नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार के वैशाली जिले के लाल ऋतिक का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। अब इस गोल्ड मेडल को जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भोज पर आमंत्रित किया है। 21 मई को उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। इसको लेकर के वो दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं और इस खबर को सुनने के बाद पूरे वैशाली जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आज हम आपको ऋतिक की कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। बता दें कि ब्राजील में 1 से 15 मई तक आयोजित 24वां डेफ बैडमिंटन ओलंपिक 2022 में 7 मई को ऋतिक आनंद ने जापान के खिलाफ खिलाड़ियों को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और देश का नाम रोशन किया। वहीं डबल्स के मुकाबले में भी सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। मालूम हो कि ऋतिक आनंद ना बोल सकता है ना ही सुन सकता है, इसके बावजूद पिता उदय सिंह ने उनके हौसले में कभी कमी नहीं आने दी। ऋतिक ने स्वर्ण पदक जीतकर पिता की उम्मीदों को साकार कर दिया। उदय सिंह अपने बेटे की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। ब्राजील डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम को पीएम मोदी ने भोज पर आमंत्रित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वैशाली के ऋतिक आनंद भी टीम में शामिल थे, वो भी पीएम मोदी के साथ भोज में शामिल होंगे। ये खबर सुनने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। इसके बाद ऋतिक आनंद के दिल्ली जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। हाजीपुर शहर में ऋतिक के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उन्हें अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने बताया कि ऋतिक को बचपन से ही बैडमिंटन खेलने का बेहद शौक रहा। बचपन से ऋतिक ने बैडमिंटन की बारीकियों को सीखने के लिए अपनी जिद को अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया और आज उनकी कामयाबी का ये सफर शुरू हो चुका है। दूसरी ओर ऋतिक आनंद को इस खुशी की सूचना देने वाली उनकी बहन ने बताया कि जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने अपने भाई को इशारों में इस बात की जानकारी दी और उनका भाई इस जानकारी को जान करके बेहद खुश हुआ। हालांकि अब तक आनंद को बिहार सरकार ने आमंत्रित नहीं किया है, ना ही वैशाली के जिलाधिकारी ने, और यहाँ के MP विधायक ऋतिक से मिलने पहुंचे हैं, जिस बात का दुख कहीं ना कहीं ऋतिक के परिवार वालों को जरूर है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अब ऋतिक को भोज पर आमंत्रित किया है और ये खबर सुनने के बाद उनका पूरा परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।